आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अपने इस चैनल द इलेक्ट्रिशियन में। इस वीडियो में हम देखेंगे फैन का रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी किस तरह से चेक की जाती है। और अभी तक आपने द इलेक्ट्रिशियन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। इलेक्ट्रिक वर्क से जुड़ी इसी तरह के वीडियो इस चैनल पर अपलोडेड होती है। और हाँ, सब्सक्राइब करते ही वो जो घंटे का आइकॉन है ना, उसे भी दबा देना। सीलिंग फैन से बाहर कनेक्टर में तीन वायर्स या चार वायर्स आई हुई होती है। इसमें से एक रनिंग कॉइल की वायर होती है, एक स्टार्टिंग कॉइल की वायर होती है और एक कॉमन वायर होती है। और कुछ सीलिंग फैन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां सीलिंग फैन से बाहर कनेक्टर में चार वायर्स भी निकाले हुए होते हैं। उन चार वायर्स में एक रनिंग कॉइल से आई हुई होती है, एक स्टार्टिंग कॉइल से आई हुई होती है और दो कॉमन के वायर्स होते हैं। अब हम बात करेंगे सीलिंग फैन के ऊपर जो कनेक्टर लगा हुआ होता है उसका कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। इस कनेक्टर में टोटल पाँच पॉइंट होते हैं, लेफ्ट साइड में तीन पॉइंट और राइट साइड में दो पॉइंट। राइट साइड के जो दो पॉइंट है उसमें इनकमिंग सप्लाई दिया जाता है और लेफ्ट साइड के जो तीन पॉइंट है उसमें कैपेसिटर के दो वायर्स और सीलिंग फैन से बाहर आए हुए तीन वायर्स। येलो वायर रनिंग वायर है, उसे हम कैपेसिटर के एक वायर के साथ टॉप में कनेक्ट करेंगे। और ब्लैक कलर की जो वायर है वो स्टार्टिंग कॉइल की वायर है, उसे हम कैपेसिटर के दूसरे वायर के साथ कनेक्ट करेंगे। और बॉटम में जो रेड कलर की वायर है वो कॉमन वायर है। रनिंग वायर के कनेक्शन के सामने इनकमिंग की फेज वायर आएगी और कॉमन वायर के सामने न्यूट्रल वायर। कैपेसिटर को सप्लाई देके इस तरह चेक किया जाता है। कैपेसिटर अगर अच्छी कंडीशन में हो तो उसके वायर्स आपस में मिलाने से स्पार्क करेंगे। अगर स्पार्क नहीं हो तो समझ लेना कि कैपेसिटर ख़राब हुआ है। कैपेसिटर मेन इसीलिए यूज़ किया जाता है कि फ़ैन का जो स्टार्टिंग टॉर्क जो मिलता है फ़ैन को, वो कैपेसिटर से ही मिलता है। अगर फ़ैन का कैपेसिटर ख़राब हो तो फ़ैन की स्पीड में कमी आ जाती है और या तो फ़ैन को धक्का देके स्टार्ट करना पड़ता है। अब हम रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सीरीज बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। सीरीज बोर्ड के कनेक्शन पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। वाइंडिंग की कनेक्टिविटी चेक करने के लिए सीरीज बोर्ड से आए हुए जो दो वायर हैं, एक वायर रनिंग कॉइल के सिरे पे और दूसरा वायर कॉमन वायर पे लगाने के बाद बल्ब ग्लो करेगा। और अगर हमने अगर सीरीज बोर्ड से आई हुई दो वायर कॉमन वायर पे न लगाते हुए रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल पे अगर दोनों वायर कनेक्ट किए तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। कंटिन्यूटी चेक करने के दो वायर अगर एक सिरा रनिंग कॉइल पे या स्टार्टिंग कॉइल पे अगर लगाया और दूसरा सिरा कॉमन वायर पे लगाया तो बल्ब ग्लो करे तो कंटिन्यूटी ठीक है। अगर कंटिन्यूटी नहीं दिखा रही तो वाइंडिंग शॉर्ट है। अब हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे रेजिस्टेंस। तीनों वायरों को एक के बाद एक चेक करने के बाद कॉमन वायर का पता चल जाएगा। जैसे कि इसमें लाल वायर कॉमन वायर है और फिर उसके बाद जो येलो वायर है और लाल वायर, इसके बीच में रेजिस्टेंस हाई दिखाता है। इसका मतलब येलो वायर रनिंग कॉइल की है और ब्लैक वायर जो है उसमें रेजिस्टेंस कम दिखाता है, इसलिए वो स्टार्टिंग कॉइल की वायर है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो आपको वीडियो अच्छा लगा ही होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करना और शेयर भी कर देना। इस वीडियो से कोई भी आपको डाउट हो या कोई आपको क्वेश्चन पूछना हो या कोई सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।